और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम आवास पर अशोक खेमका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे हैं और आशंका जताई जा रही है कि तबादले को लेकर सीएम से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे हैं उनके आवास पर, और वहां पर वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपने तबादले को लेकर चर्चा कर सकते हैं। रही है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे हैं उनके आवास पर, जहां वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपने तबादले को लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे हैं उनके आवास पर, और इस दौरान अपने तबादले को लेकर अशोक खेमका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से चर्चा कर सकते हैं। हालांकि कई और मुद्दों पर भी वह चर्चा कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे हैं, तो इस मामले में क्या ताजा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो आईएएस अधिकारी है अशोक खेमका, वो पहले ही काफी जो है रॉबर्ट वाड्रा केस में काफी सुर्खियों में जो है वो रहे हैं, चाहे वो पूर्व की सरकार हो, हुड्डा सरकार हो, चाहे वो अब वो भाजपा की सरकार हो, क्योंकि पहले भी जो है उनके साथ जो है कई ट्रांसफर्स का दौर जो है कई बार गुजरा है। उनकी 25 साल की जो है सर्विस में उनकी यहाँ 42 बार जो है ट्रांसफर हुई है, उसी को लेकर भाजपा सरकार ने जो है इस बार से दोबारा से उनको जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट विभाग से जो है पुरातत्व विज्ञान में जो है ट्रांसफर कर दी गई थी, तो उस पर सरकार पर जो है काफी सवालिया निशान जो है वो खड़े हो गए थे। उसके मद्देनजर जो है आज जो है यहाँ पर मीडिया में भी जो है काफी ये जो है केस उछला था उनके ट्रांसफर को लेकर, तो पहले भी उन्होंने सीएम से मिलने के लिए जो है प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज जो है पहली मुलाकात शायद ट्रांसफर के बाद जो है आज उनकी पहली मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ है, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि खेमका जो है अपना ट्रांसफर जो हो रहा है उनका जो पुरातत्व विज्ञान में जो उनका ट्रांसफर हुआ है उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जो है वो बातचीत करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भी जो है काफी निशानियां सवाल यहाँ पे खड़े किए हैं, भाजपा सरकार पर निशाना साधा है खेमका के ट्रांसफर को लेकर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेमका जो एक ऐसे आईएएस ऑफिसर है जो जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा केस में जो है उनके घोटाले में जो है मुख्य भूमिका जो है यहाँ पर उजागर किया था, और एक ईमानदार जो है अफसर उनकी भूमिका रही है, एक छवि उनकी जो है वो बड़ी अच्छी रही है। तो इसी को देखते हुए मद्देनजर जिस तरह से भाजपा ने जो है उनको जो है एक अच्छी यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट विभाग में दिया था, मुख्य सचिव बनाया गया था, लेकिन उसके बाद थोड़े ही दिन बाद उनके जो है ट्रांसफर जो है पुरातत्व विज्ञान में जो है कम उस महत्व वाले जो है उस पर डिपार्टमेंट में कर दी गई है, तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर सवाल निशान खड़े हो गए थे मुख्यमंत्री या भाजपा सरकार के ऊपर। लेकिन आज जो है यहाँ पर जो अशोक खेमका है वो मुख्यमंत्री से
मिलने पहुंचे हैं। हालांकि थोड़ी देर उनको हो चुकी है, करीब आध घंटा हो चुका है उनको, अब मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर वो पहुंचे हैं और अभी भी जो मीटिंग है वो जारी है। जी मनोज, आपकी इस जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि IAS अशोक खेमका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर मिलने पहुंचे हैं और आशंका जताई जा रही है कि अपने तबादले को लेकर CM से वो चर्चा कर सकते हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।